हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में राज परिवार की अगुवाई में हुई शस्त्र पूजा थार नगर जिला मुख्यालय गढ़ बाड़मेर। बाड़मेर राज परिवार की अगुवाई में हुई शस्त्र पूजा बाड़मेर में विजयदशमी के पावन पर्व पर हजारों वर्षों पुरानी परंपरा धरती पुत्र की नजर आई। रावत त्रिभुवन सिंह ने फोर्ट स्थित माता मंदिर नागनेचिया मंदिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया। कोविड-19 के कारण इस बार सबसे पूजा ज्यादा भीड़ भाड़ नाना करके समिति संख्या में लोगों को पूजा में शरीक होने दिया गया। जानकारी के मुताबिक अश्विन शुक्ल पक्ष दसवीं को शस्त्र पूजा का विधान है। शस्त्र पूजा की परंपरा आयोजन रियासतों में आज भी धूमधाम के साथ होता है। बाड़मेर में भी आज राज परिवार की अगुवाई में हजारों वर्षों पुरानी परंपरा तो आज भी जीवित रखा हुआ है। राज परिवार के शासकीय शस्त्रगारों के साथ आम जन की आत्मरक्षार्थ रखें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रावत त्रिभुवन सिंह बाड़मेर, उन्होंने ये कहा। ये शस्त्र अपने आप में कितनी बड़ी ताकत होती है और आज के दिन शस्त्र पूजा का क्या महत्व है? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शस्त्र पूजन सदियों से आ रही एक परंपरा है। पुराने वक्त में हम सबकी रक्षा के लिए, हमारी प्रजा की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए इस शस्त्र को यूज़ किया जाता था। तब से लेके आज तक सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, अपितु मैं यह कहूँगा कि सबके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व तब भी था, अब भी है। वक्त के साथ में चीज़ें ज़रूर बदली है, पर शस्त्र पूजन तो आज भी होता है। पहले ये तलवारें काम आती थी, आज उसका स्थान एयरफोर्स ने ले लिया है, जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट्स काम आते हैं। तो उसी शस्त्र पूजन को हम, हमारी पुरानी परंपराओं के लिए हमारा देश शुरू से जाना जाता रहा है, तो उन्हीं परंपराओं को जीवित रखने के लिए इन शस्त्रों की हम पूजा करते हैं। और हमेशा एक संदेश सभी को देते हैं कि जब भी इस देश पे संकट आएगा तो हम आपके लिए हमेशा पहली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।